दिस वन मोर गर्ल कमिंग. मेघना को तो आना ही पड़ेगा. मेघना आ गई है. प्रार्थना को आना पड़ेगा. वाह वाह बिंदु क्या बात है. मेरे में से गिरी और मैं मेघना निकाड़े का रोल कर रही हूँ. और मेघना एक लो मिडिल क्लास की हाउसवाइफ है. उसके दो बच्चे हैं, पति हैं और ससुर जी है जिनके साथ उसका एक बहुत स्पेशल सा रिलेशनशिप है. तो मेघना एक ऐसी लड़की रही है अपने बचपन से जिसने हमेशा ही मन मार के जीना सीखा है. वो भी उसके मॉम डैड भी बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं थे, तो हर चीज़ जो उसे बचपन में चाहिए थी वो मिली नहीं. तो एक ऐसा सीन भी है जिसमें मैं कहती हूँ मेरे भाई बहन हम साथ में बैठकर ये गिनते थे कि मॉम डैड ने क्या नहीं दिया, आई बाबा से क्या नहीं मिला. तो मुझे एक गुड़िया नहीं मिली, मेरी बहन को पिंक कलर का रेनकोट नहीं मिला. और मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों को ये हिसाब लगाना पड़े कि हमें मेरे आई बाबा ने क्या नहीं दिया है. तो इसलिए वो चाहती है कि वो बेहतर करे अपनी लाइफ के साथ और बड़े सपने देखे और उनको पूरा भी करे. तो आप जैसा देखेंगे शो में वो अपना खुद का बिजनेस करना चाहती है और एक हाउसवाइफ होते हुए बहुत अफ्लुएंट बैकग्राउंड से ना होते हुए घर को, बच्चों को, पति को, फादर इन लॉ को संभालते हुए वो किस तरह से बिजनेस का सपना देखती है और बहुत मेहनत करके उसे किस तरह से पूरा करती है, ये उसकी जर्नी है. और इस जर्नी में उसे ट्रेन में ये दोनों फ्रेंड्स मिलती हैं और हम तीनों ही अब एक दूसरे की लाइफ को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं. तो ऐसा ये इन अ क्रक्स शो है और मेरा कैरेक्टर है. मैं एक मराठी लड़की का रोल प्ले करती हूँ जो मेरे लिए बहुत ही आसान है क्योंकि मैं महाराष्ट्र की हूँ. सो बहुत इंटरेस्टिंग छोटी छोटी चीज़ों पर हमने वर्क किया है
घर में भी जो आपको छोटी छोटी प्रॉपर्टीज दिखेंगी वो एक बहुत टिपिकल महाराष्ट्र हाउस होल्ड में जो आपको हमेशा दिखता है वैसा ही होगा, क्योंकि वो सारे रेफरेंसेस मैं मेरे कल्चर से भी ले आती हूँ। और चैनल की क्रिएटिव टीम, प्रोडक्शन हाउस की क्रिएटिव टीम ने साथ में मिलकर हमारे ईच घरों को और हमारे आसपास की सारी छोटी छोटी चीज़ों को हमारे कल्चर्स के हिसाब से हमसे डिस्कस करके इनपुट्स लेकर के बनाया है। क्योंकि इंसिडेंटली ऐसा है कि मैं महाराष्ट्र हूँ और मैं मराठी लड़की का रोल प्ले कर रही हूँ, ये गुजराती है और ये गुजराती प्ले कर रही है, वो पटना से है और वो पटना से ही एक लड़की है जो जिसका रोल वो प्ले कर रही है। तो वी आर वेरी रूटेड इन आर कल्चर्स एंड विच इज़ हेल्पिंग द रोल इन टर्न, सो इट्स बीन फन। एंड द ओनली चैलेंज फॉर मी हैज़ बिन द लैंग्वेज, क्योंकि मैं हिंदी काफ़ी ठीक ठाक बोल लेती हूँ और मराठी तो बहुत ही साफ बोलती हूँ, तो वो जो बीच वाला मराठी हिंदी का एक मंबैया मिक्सचर करना पड़ा है जो आपने सुना होगा, उस पर थोड़ा वर्क करना पड़ता है बिकॉज मैं वैसी हिंदी बोलती नहीं हूँ। पर दैट्स बीन फन, क्योंकि मैं बीच बीच में दो चार मराठी वर्ड्स ले आती हूँ और उससे थोड़ा सा एक फ्लेवर निकलता है। सो आई होप आप सबको पसंद आए और दर्शकों को भी। हाय, मैं हूँ बीजल जोशी और लेडी स्पेशल में आई एम प्लेइंग बिंदु देसाई। वो गुजरात के अंजार शहर से है। शी इज़ वेरी बबली, चर्पी, ऑलवेज स्माइलिंग, वेरी पॉजिटिव, ओवर एंथू, टॉकेटिव। उसके लिए कोई सिचुएशन या कोई इंसान गलत नहीं है। अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो शिल वो ऐसे सोचेगी कि सामने वाले की कोई मजबूरी होगी, वरना ऐसा नहीं होगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे उनका मानना है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। रिश्तों को निभाने वाली, अगर एक बार किसी को फ्रेंड बोल दिया देन शिल गो आउट ऑफ द वे जस्ट टू हेल्प दैट पर्सन। जैसे अगर आपने इसमें देखा कि फर्स्ट नाइट को ये हस्बैंड बोल देता है कि ये शादी तो मजबूरी में की गई थी। सो नॉर्मली कोई लड़की होती तो शटर हो जाती कि हाउ कैन यू डू दैट टू मी। बट बीइंग बिंदु, उसका सोचना है कि कुछ तो रीज़न है उसके पास भी, उसकी भी कोई मजबूरी होगी। सो इट्स ओके, वी कैन बी फ्रेंड्स। और वो जेन्यूनली ये बोल रही है और निभाती भी है कि अब से तुम मेरे अच्छे फ्रेंड हो ना, तो मैं तो फ्रेंडशिप निभाऊंगी। और एस वो गुजरात से है तो उसका ये टोनेशन आता रहेगा बीच बीच में। वो साफ हिंदी नहीं बोलती, वो जब गुजराती लोग हैं ना ऐसे हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं ना तो एक्सेंट आ ही जाता है। सो या एंड द गुड पार्ट वॉज, जब बिंदु का कैरेक्टर मुझे बताया गया तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज इन रियल लाइफ आई एम लाइक दैट ओनली। आई ऑलवेज कीप ऑन स्माइलिंग, आई टॉक अ लॉट, इवन आई एम ओवर, आई नॉट से इतनी पॉजिटिव, बट या इवन आई एम पॉजिटिव ओवर एंथू। तो मुझे लगा कि ये रोल करना ईजी होगा क्योंकि गुजराती को ही गुजराती कैरेक्टर दिया है। बट जैसे देखते हो कि बिंदु बहुत बोलती है और थ्रू आउट शी इज स्माइलिंग। गुजराती एक्सेंट लाने, एट द सेम टाइम इट शुड नॉट लुक के ये ओवर हो रहा है या लाउड एक्टिंग हो रही है। नेचुरली बीइंग गुजराती, एक सटल करना और कैरेक्टर में रहना। सो या इट वॉज फन, मज़ा आता है ये रोज शूट करने में। और कहीं पे ये मैसेज दे रही है कि इट्स फाइन, हस्बैंड या बॉयफ्रेंड के जाने से या कुछ भी लाइफ में इश्यू होने से लाइफ थम नहीं जाती। जस्ट पॉजिटिवली उसको फेस करो, कोई ना कोई तो सोल्यूशन आ ही जाएगा। सो या दैट्स द कैरेक्टर ऑफ बिंदु देसाई। सबसे पहली बात, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मैं पटना की लड़की प्ले करूँ शो में, क्योंकि ये कैरेक्टर प्ले करने के लिए लगता है मैंने 6 साल वेट किया, क्योंकि मुझे अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी कि मैं बिहार की लड़की या उधर की लैंग्वेज और टोन में बात करूँ शो में। थैंक्स टू सोनी एंड ऑप्टिमिस्टिक फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। प्रार्थना की जहाँ तक मैं बात करूँ, सॉरी मैं थोड़ी सी आज अंडर द वेदर हूँ तो प्लीज़ माफ़ करिएगा बीच में खांसी आए तो। प्रार्थना जो नॉर्थ इंडिया से है, पटना से है, मैं बहुत ज़्यादा उससे रिलेट कर सकती हूँ। और मुझे लगता है सिर्फ स्मॉल टाउन लड़कियाँ ही नहीं, इंडिया की कोई भी लड़की रिलेट कर सकती है, क्योंकि उसके कंधे पे घर की पूरी जिम्मेदारी है। घर में सिर्फ माँ बाप है, छोटा भाई है, तो घर का सारा खर्चा चलाना, सब कुछ करना सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है। ऐसे में उसने अपने बारे में कभी सोचा नहीं। और अगर शायद मैं भी इस जगह पे होती और मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती तो मैं अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। सेम विद प्रार्थना, वो अपने बारे में नहीं सोचती है। धीरे धीरे कब 18 से 30 की उम्र पर पहुंच गई उसको खुद भी पता नहीं चला। लेकिन ऑब्वियसली हर हर लड़की चाहती है कि उसकी शादी हो, उसका घर बसे, उसका पति हो, उसके बच्चे हो, तो वो चीज़ मन में है उसकी।
लेकिन कभी बाहर नहीं निकलता क्योंकि वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। प्रार्थना बहुत सीरियस और कहते हैं ना प्रैक्टिकल हो गई, बहुत मच्योर हो गई, कम उम्र में मच्योरिटी आ गई। बहुत सारे रीजंस हैं, मैं इस पर बात करना भी चाहती थी कि हमारी तरफ मैंने देखा है खुद बचपन से लेकर आज तक कि अगर हमारे यहाँ पे पहले शादियाँ बहुत कम एज में हो जाती हैं, मेरी बहनों की शादियाँ भी 20 साल 22 साल में हो गई, एक बार लड़की की उम्र 24 से ऊपर पहुँचती है तो रिलेटिव्स खड़े हो जाते हैं, सोसाइटी खड़ी हो जाती है और बोलना भी शुरू कर देती है कि अच्छा बेटी का शादी नहीं हुआ है, ज़रूर कोई प्रॉब्लम होगा बच्ची में, मतलब आपके ऊपर कुछ पीछे कुछ। तो ये सारी चीज़ें सुन सुन कर जो प्रार्थना के साथ हुई है या जो हर आम लड़की के साथ भी होती है, शादी इज़ अ मेन मुद्दा, अगर लड़की की शादी नहीं हुई है तो लड़की में प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें एक लड़की झेलती है। तो ये इन सारी चीज़ों से भी प्रार्थना थोड़ी लाइफ में ज़्यादा सीरियस हो गई है, उसने अपने कहते हैं ना आसपास वो लोगों को आने नहीं देती इतना ज़्यादा, खुद में ज़्यादा रहती है, लेकिन प्यार बहुत है फैमिली से, बहुत सैक्रिफाइसिंग है। जैसे आपने देखा भी कि अपने आप को ही सैक्रिफाइस कर दिया फैमिली के लिए, कोई शादी की बात करता है तो इरिटेशन होता है उसको क्योंकि उसको पता है वो चीज़ नहीं होने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये उम्मीद है कि चमत्कार कभी भी हो सकता है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। तो ये कैरेक्टर है मेरा शो में। अच्छी बात ये है कि इस शो में मुझे मेरा टोन और सब कुछ लैंग्वेज करने का मौका दिया गया है, जैसे ये मराठी बोल रही हैं, ये गुजराती में बात कर रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है शो में जो बहुत कम शोज़ में मिलता है। हम कहने के लिए सिर्फ मराठी गुजराती या बिहारी नहीं बोल रहे, रियली में वो फ्लेवर लोगों को मिलेगा। फिर हम इस जर्नी में, हम तीनों की जो जर्नी अभी दिखाई जाएगी शो में, हम कैसे दोस्त बनते हैं, कैसे हम अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं, वो हमें एडवाइस देती हैं या वो हमें हेल्प करती हैं, ये शो इस बारे में। पर मैंने तो That's not वो true. शो बहुत चला है, वो बहुत ज़्यादा चला वो शो चला, इसलिए ये लोग सेकंड सीजन लेकर आए। सॉरी वो फाइनाइट था और वो फाइनाइट ही बना था, वो फाइनाइट सीरीज था। काफी टाइम के बाद आया ये शो, 9 साल लगभग लग गए, इसके पीछे क्या रीज़न? अच्छी चीज़ बनने में टाइम तो लगता है। और एक बात मुझे लगती है कि उस शो में बहुत बड़े नाम थे और बहुत उम्दा कलाकार थे, नीना गुप्ता जी थी, शिल्पा तुरस्कर थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट काम करने वाले लोग हैं। तो मुझे लगता है उस शो की कामयाबी को उसके TRPs और उसका जो दौर जितना वो चला उससे ना मेजर करते हुए उसका लोगों पर क्या इम्पैक्ट था इसको आप देखें। आज भी उस शो के बारे में हर कोई पूछता है, हर कोई बात करता है। हम जब भी लेडी स्पेशल कहते हैं, कहते हैं वो जो 8 साल पहले, ये ऐसे तो नहीं बनता ना, इस तरह का नाम इसीलिए क्रिएट होता है क्योंकि वो शो लोगों को पसंद आया था। अब हर शो हर कोई बैठ कर देखे ये तो हम गारंटी नहीं कर सकते, लेकिन वो शो इम्पैक्टफुल ज़रूर था। और साथ ही जैसे कि हम तीनों जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, ये कोई ऐसा शो नहीं है जिसमें अगर कोई लड़की सपोज मराठी है वो, और एक कोई सोलो लीड है लड़की, और उसमें हम किसी को भी कास्ट कर लें लेकिन वो टेस्ट ना आए, वो बात ना आए, तो हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कास्टिंग की गई है। अब सिर्फ हम तीनों की कास्टिंग नहीं, इसमें और भी जो कैरेक्टर्स प्ले करेंगे अगर आप उनको भी देखेंगे, सबकी कास्टिंग बहुत ही अच्छे से और एकदम कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, ये सब मद्देनज़र रखते हुए की गई। आप लोग को क्या लगा कि हमें ये शो करना है? बेस्ट पार्ट इज कि ये कैरेक्टर्स काल्पनिक नहीं है, आप दे आर गर्ल नेक्स्ट डोर, आप रिलेट कर पाओगे कहीं ना कहीं, आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ मेघना तो है, मेघना देखिए बिंदु जैसी भी बहुत सारी लड़कियाँ होती है कि प्रार्थना जैसे भी होती है। तो जब हमें ऑफर किया गया, आई वॉज एक्साइटेड दैट आई एम प्लेइंग समथिंग वेरी रियल, जो मैं खुद हूँ। मुझे कोई ओवर द टॉप ड्रामा नहीं है इसमें, कोई सास बहू ड्रामा नहीं है, कोई अकल्पनीय चीज़ नहीं है कि कहीं से नागिन आ गई या कुछ मक्खी आ गई या डायन आ गई। इट्स वेरी डे टू डे फ्रेश सब्जेक्ट जिससे आप सब भी कनेक्ट कर पाओगे, और मे बी आई नॉट से कि हमें मैसेज देना या इंस्पायर करना है, बट कहीं पे एंटरटेनमेंट के साथ एक हल्का फुल्का डे टू डे लाइफ का तड़का मिल जा रहा है। सो फ्रेशनेस है ये सब्जेक्ट में, विच आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू। सेम द लेट्स नॉट कमेंट ऑन इट, बट या बट ये सब बन रहे आजकल, ये सब सब्जेक्ट्स जी, आई विल नॉट टेक द नेम,
आई नॉट टेक द नेम बट ये सब सब्जेक्ट्स बन रहे हैं एक्चुअली वी नो डोंट डू दैट टू अस सो बट ये सब सब्जेक्ट बन रहा है उसमें हम थोड़ा फ्रेशनेस ला रहे कि अब ऑडियंस को भी लगे कि हाँ चलो कुछ नया मिला हमें जिससे हम कनेक्ट कर पाए नहीं एकता जी ने एक बहुत कमाल की फिल्म बनाई थी जिसका नाम था शोर इन द सिटी जिसमें मैंने काम किया था तो एकता जी सिर्फ ये इस तरह का काम नहीं करती वो बहुत इंटरेस्टिंग वैरायटी का काम करती है तो ये नहीं मैं किसी और शो में काम कर लूंगी नो आई विल नॉट डू इट See, I'll tell you why. The reason is similar to the reason why I have not done television for all these years. This is my first Hindi show, and I have been doing work for the past 15 years. But I've never done Hindi television is because मुझे Hindi television से हमेशा डर लगा है. वो इतना reality से दूर होता है कि मुझे नहीं लगता था ये मैं कर पाऊँगी. Again, इसे देखने में मजा आता है. जब मैं घर पे बैठी होती हूँ और मैं चैनल फ्लिप करती हूँ तो ऐसा कोई शो अगर मुझे दिख जाए तो उसका ड्रामा उसके कॉस्ट्यूम्स मुझे देखने में बड़ा मजा आता है लेकिन मुझे करने में मज़ा नहीं आएगा ये मैं जानती थी पहले से तो मैं मतलब टीवी का नाम सुन के थोड़ा मतलब नहीं करेंगे नहीं करेंगे कहीं पे अगर शुरुआत अच्छी होती है और फिर से वो डाउनवर्ड हिल में आ जाते हैं शुरुआत बहुत अच्छी कहीं पे भी अगर आप कोई कैरेक्टर कर रहे हो तो आपको खुद को कन्विंस्ड होना चाहिए कि अच्छा ये होता है जब बिंदु का कैरेक्टर भी मुझे बताया गया तो विपुल जी ने सर ने हमें पूरा ऐसे समझा कि नहीं ये कैरेक्टर रियल में होते हैं जो इतने पॉजिटिव होते हैं इफ़ यू आर नॉट कन्विंस्ड यू कैन डू दैट देन वो फेक लगता है कि ठीक है चलो कर ले रहे हैं जी 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 बिंदु है ना उनमें से एक ही है ये किसी के दुखी नहीं होने जरा भी नहीं बिल्कुल दुखी नहीं है जी नहीं इनफैक्ट इनके बारे में एक बहुत अच्छी चीज है जो आगे आपको एपिसोड में देखने मिलेंगी एक पॉइंट ऐसा आता है जब हम दोनों में से कोई एक इनसे कहता है कि तू पागल है मतलब तेरे पति ने तुझे ये बता दिया है फिर भी तू उसके साथ रह रही है तो छोड़ के नहीं देती तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताती है जिस दिन से मैंने उनको ये बताया था उस दिन से वो करवटें बदलते हैं मैं शांति से सोती हूँ मेरे दिमाग में टेंशन नहीं है क्योंकि गिल्ट उनके पास है तो ये ऐसी है और ये सच में ऐसी खुशहाल इंसान भी है तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है जी मैंने बहुत ट्रेन में ट्रैवल किया बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं मेरे ट्रेन के तो इनफैक्ट मैं इतना ट्रेन में ट्रैवल करती थी कि मैं किसी भी स्टेशन के बाहर से आपको एग्जैक्टली मिडिल लेडीज कहाँ आएगा और फर्स्ट क्लास कहाँ आएगा ये बाहर से बता सकती थी कि कौन से ब्रिज से आप कहाँ पहुँचोगे इतना मुझे आई न्यू इट एट द बैक ऑफ माई हैंड बट अनफॉर्चुनेटली मैंने कभी रेगुलर टाइम पर ट्रैवल नहीं किया क्योंकि मैं ऑफिस नहीं जाती थी तो वो एक 9:37 की लोकल या 10:45 की लोकल वो वैसा कुछ नहीं था मेरी मॉम का वैसा एक ग्रुप था क्योंकि वो रोज़ ऑफिस जाने के लिए 9:37 की लोकल लेती थी तो उनका एक लोकल का ग्रुप था जिसमें बकायदा बर्थडेज मनाए जाते थे गोद भराई होती थी एक बार तो ट्रेन में डेकोरेशन करके उन्होंने कुछ किसी का कुछ मना बना लिया फिर आते वक्त वापस धनिया ले आते थे सबको थोड़ा थोड़ा देते थे सब क्लीन कर लेते थे साफ कर लेते थे फिर बटोर के लेते मेरी मॉम ने ये सारा किया है तो मैं उनके ट्रेन फ्रेंड्स के ग्रुप को जानती हूँ उनके साथ मैंने काफ़ी हैंग आउट भी किया है तो इसको मैंने बहुत करीबी से देखा है अनफॉर्चुनेटली मेरी ऐसी फ्रेंड्स नहीं बन पाई लेकिन ट्रेन में ट्रैवल बहुत किया है अभी बन गई ना अभी बन गई अभी हमारी इस वाली ट्रेन में ग्रुप भी होता है जी अपने ग्रुप को लोग सीट पे बैठने देता है ग्रुप में नहीं रहता उसको खड़े रहने देता है ऐसा होता है तो आप लोग इस बात को सही मानते हो कि नहीं नहीं हम नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं बहुत सारी लेडीज ऐसे होते हैं जो कि बोलते हैं कि नहीं यार लेडीज अच्छा है कि जेंट्स में चले जाओ क्योंकि लेडीज जब बहुत गाली गलौज करता है गंदी गंदी गालियां देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ ऐसी चीजें होती है ट्रेन में मैंने बहुत लोकल ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया पर ट्रेन में बहुत ट्रैवल किया है तो मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि अगर जगह है भी तो एक लड़की दूसरी लड़की को जल्दी ऑफर नहीं करती है पर मैं आपको सच बताऊं इस शो से ना लोगों का वो थॉट ज़रूर चेंज होगा मैं नहीं कहती हूँ सारी औरतें ऐसी हैं क्योंकि अब मैं बैठूंगी तो मैं ऑब्वियसली मेरे पास जगह है तो मैं बोलूंगी कि आप आकर के बगल में बैठो जगह बनाया भी जा सकता है अगर तीन लोग बैठे हैं चार लोगों की जगह में तो वी कैन क्रिएट जगह ना तो वो चीज़ की जा सकती है लेकिन इस शो से जिस तरीके की फ्रेंडशिप और ये सारी चीज़ें हम शो में दिखाएंगे इससे भी तो एक लोगों को मैसेज जाएगा और मुझे लगता है कि कंपटीशन करने से औरत के कंपटीशन से अच्छा है कि हम सीरियसली सहेलियां बने और एक दूसरे को साथ दें तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा होगा सोसाइटी ज़्यादा अच्छी होगी दिस व्हाट आई एक और रीज़न है जब ये बताया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल लेडीज़ कंपार्टमेंट
कम दिए जाते हैं जेंट्स कंपार्टमेंट की कंपैरिजन में. सेकंड थिंग, अगर आप महिलाओं को देखो तो वो सुबह घर का खाना बना के बच्चों को रेडी करके ट्रेन में जाती है, पूरा दिन काम करती है, वापस ट्रेन में से जाके रात का डिनर बनाती है. सो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है. सो कहीं ना कहीं वो थोड़ा ऐसे चिड़चिड़ापन आ जाता है. प्रमाण कम है तो आप ही मानते हैं, इसका परसेंटेज कम है तो आप भी मानते हैं. ऐसा लग रहा है उनकी बातों से. लेकिन इसका प्रमाण बहुत ही कम है, मतलब कुछ बहुत ही कम लोग ऐसा करते होंगे. बट वी वुड अप्रिशिएट अगर जेन्युइनली इसका प्रमाण बढ़े. हाँ, हमें तो बहुत अच्छा. हाउ डिफरेंट इज गिरिजा फ्रॉम मेघना? शी इज एक्चुअली नॉट वेरी डिफरेंट. तो गिरिजा भी थोड़ी सी ऐसी है नेवर से नेवर वाली. सिर्फ मेघना कहती है नेवर से नकोरे बाबा. तो हाँ, मैं भी थोड़ी ऐसी हूँ. और नेवर से नेवर का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अच्छा होगा भगवान भरोसे. सब कुछ अच्छा होगा, मैं मेहनत करके अच्छा करूँगी. तो मैं भी थोड़ी वैसी हूँ, थोड़ी नहीं काफ़ी वैसी ही हूँ. तो मुझे बड़ा मज़ा आता है ये जो एक फाइटिंग स्पिरिट है जो मेरे अंदर है ही, जो मेघना के अंदर भी है. तो मैं काफ़ी रिलेट कर सकती हूँ. मैं भी एक माँ हूँ, मेरा भी परिवार है, मैं साथ रहती हूँ सबके. सो सुबह जब कबीर को मेरे बेटे को रेडी करना होता है, जो मेरा सारा मतलब पूरे घर में जो मेरा संचार होता है वैसा ही है इधर भी. मेघना इज नेवर स्टडी. यू विल नेवर सी मेघना सिटिंग इन वन प्लेस एंड टॉकिंग. वो एक जगह पर कुछ पोहे बना रही है, कुछ चाय छान रही है, कुछ वो यूनिफॉर्म का कुछ कर रही है. मेघना इज ऑल ओवर द प्लेस. दैट्स एग्जैक्टली हाउ इवन आई एम व्हेन आई एम एट होम. सो वेरी वेरी सिमिलर, वेरी सिमिलर. थैंक यू. आई एम ग्लैड इट्स दैट वे. थैंक यू. आई एम श्योर दैट्स व्हाई दे. Thank you, thank you, thank you so much. प्रेशर तो नहीं लगता मुझे, जिम्मेदारी लगती है कि अच्छा, वो तो किसी भी काम की होती है कि अच्छा करे और अपना बेस्ट दे. तो आई डोंट थिंक हमें किसी को भी कभी प्रेशर महसूस हुआ है. बट वी ऑल बीन वेरी हैप्पी एंड फॉर्चुनेट दैट वी वर चोजन फॉर दिस. एंड बहुत इम्पॉर्टेंटली ऐसा है कि इस शो में हम तीनों फ्रेंड्स हैं, बनेंगी अब धीरे धीरे करते हुए. और हमारी प्रोमो शूट के दिन हम पहली बार जब मिली तो हम कुछ सब मिलाकर 10 सेकंड में बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी. इट वॉज लाइक अ क्लिक. और सब लोग ये कहते हैं कि हमारा बहुत मतलब हमारी बहुत कॉमराडरी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है असलियत में. तो ये बिल्कुल वैसा नहीं है. हम जेन्युइनली वी क्लिक्ड एंड वी आर वेरी वेरी फ्रेंडली विथ ईच अदर. सो तीनों की कॉम्बिनेशन जो डेज होते हैं, हम लोग उसकी राह देख रहे होते हैं कि तीनों साथ में कब शूट करेंगे, तो टिफिन शेयर करेंगे और गपशप करेंगे. और जब बिंदु स्पेशली हमारे साथ शूट करती हैं, तो मैं और छवि हम बड़ा रेस्ट करते हैं, बिकॉज सारे डायलॉग सिर्फ बिंदु के ही होते हैं. बिंदु बहुत बोलती है, तो हमारे हिस्से का भी सारा बिंदु बोल लेती है. तो इसीलिए हम वी आर वेरी हैप्पी व्हेन वी आर थ्री ऑफ अस, बिकॉज आई रियली हैव टू जस्ट रेस्ट. वी हैव टू जस्ट रेस्ट. हम तीन हैं और हमारे परिवार है. See, I'm born and brought up in Mumbai. तो घर पे गुजराती में ही बात करते हैं और मेरी गुजराती बहुत प्योर है. हमारे एक्सेंट नहीं आते, एकदम नॉर्मल गुजराती में बात करते हैं. हिंदी इंग्लिश नॉर्मल आ जाती है. बीइंग अ यंगस्टर, हमारी एक हैबिट होती है कि हम जितनी भी लैंग्वेज आती है वो मिक्स करके ही बोलते हैं. एक मेरा पूरा कोई भी सेंटेंस एक लैंग्वेज में नहीं आता इन रियल लाइफ. ओके सॉरी, शी इज वेरी गुड इन हिंदी, आई एम बैड. सो मतलब क्या यंगस्टर्स, मतलब मैं यंगस्टर तो मुझे समझ का हम नहीं किया. हम ब्रो काउंट नहीं किया मैंने. हम ऐसा नहीं करते. सो बट लकीली आई डिड 4 मूवीज अहमदाबाद राजकोट में. तो जब मैं गुजराती मूवीज कर रही थी, मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया कि अगर मैं जैसे पता चलेगा ना ये मुंबई से, तो जबरदस्ती हिंदी में ही बात करनी. तो अगर मैं नॉर्मली एड्रेस भी पूछूंगी कि ये एड्रेस कहाँ पे, वो आगे जाके डा बेवर जाने का. सो आधा उन्होंने गुजराती ही बोला है विद गुजराती एक्सेंट ओनली. एंड देयर इज नथिंग टू अशेम्ड अबाउट, यू शुड बी प्राउड कि कहीं ना कहीं वो आ ही जा रहा है, लहजा आ रहा है. सो वहाँ से मैंने वो जब हमारे वर्कशॉप हो रहे थे, मैंने विपुल सर को पूछा कि सर ये एक्सेंट लाओ क्या, तो सर इज लाइक परफेक्ट. बट जब हम बोल रहे हैं तभी बकायदा तकलीफ होती है. शी इज ऑलवेज स्माइलिंग. ढाई ढाई तीन तीन पेजेस के डायलॉग है, ओवर एंथू. तो एट द एंड ऑफ द डे थक जाते हैं, एनर्जी ड्रेंड आउट हो जाती है, बट एट द सेम टाइम मजा आता है. अब तक जो मैंने स्क्रिप्ट की थी वो कैसा था, पढ़ के बोल के जाओ.
अब ऐसा होता है कि पढ़ो, अच्छा यहाँ पे मेरा गुजराती वर्ड्स कौन से डाल सकती हूँ जो लोगों को भी समझ आए, हिंदी भाषी को ऐसा ना लगना चाहिए कि ये क्या बोल के आई, गुजराती एक्सेंट कैसा डालूँ. सो यहाँ पे एफर्ट्स थोड़े ज्यादा है, बट इट्स फन. एट द एंड ऑफ द डे वर्क सेटिस्फेक्शन मिलता है. देखिए ये बात तो हम भी अपने प्रोड्यूसर को बोल रहे हैं कि वो जो अंदर हमारे तड़प भरी है, जो भर भर कर भरी है और बाहर आने के लिए तैयार है बिल्कुल, वो हमने अपनी गुहार लगा दी है सही जगह, वो जोर से सिंगिंग आई. और आपको सच बताएं सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि इसमें जो मेरे पिताजी हैं वो भी सिंगर हैं और मेरे रियल लाइफ के पिताजी हैं वो भी सिंगर हैं. तो ये तो मतलब जब मैंने सुना मैंने कहा ये तो सब कुछ मेरे जैसा ही है इस शो में. लेकिन सिर्फ एक चीज़ अलग है कि प्रार्थना थोड़ी सीरियस है, ज़्यादा मच्योर है, मैं रियल लाइफ में थोड़ी ज़्यादा इमोशनल हूँ. तो ये मतलब डिफरेंस है हमारे बीच में. पर सेल्फ रिस्पेक्ट वाली है जो मैं भी हूँ और वो भी है. तो ये कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉमन भी हैं और कुछ डिफरेंट भी हैं. गुनगुनाए नहीं वैसी मतलब? नहीं है यो कैरेक्टर रहोगी तुम. नहीं गाना तो गा रही हो ना मन में, शादी नहीं हो रही है, गाना तो मन में गा ही रही हूँ मैं. दिल वाले दिल में कोई तो ले जाएगा. हमने जो प्रोमो शूट किया है ना, हमने जो प्रोमो शूट किया है ना वो हमने रियल स्टेशन पे किया था, गोरेगांव स्टेशन पे किया था. ट्रेन एकदम प्लेटफॉर्म ट्रेन सब कुछ सब रियल था. तो हमने हमारे पास हमारी खुद की ट्रेन है. हाँ जी. और प्लेटफॉर्म भी है. हाँ जी. तो हम उस हमारे हिसाब से रुकती है और चलती है. हमारे हिसाब से रुकती है, हमारे हिसाब से चलती है. मोटरमैन भी है. हमारी ट्रेन एक्चुअली मूव करती है. इट्स नॉट जस्ट अ स्टेडी सेट, इट मूव्स, इट्स अ मूवेबल ट्रेन. मतलब यू कैन स्टार्ट इट लाइक अ डीजल कार. देयर इज अ प्रॉपर ट्रैक एंड एवरीथिंग. द प्रॉपर हां हमारी ट्रेन सब स्पेशल ही है. इधर स्पेशल हमारे लिए बनवाई है यहां पर. थैंक्स यू. थैंक यू. थैंक यू. Super. मैम थोड़ा साइड हूँ. सिंगर किशन चमाट मारूंगा हाथ. नहीं एक साथ क्या हाथ कंधे पर कहाँ था. अरे छवि फिंगर इस तरफ है.